వారు ఇంకా హైదరాబాద్ పోలీసులు ఇలా ఎందరో అటవీ రక్షణ స్ఫూర్తి శంకరావు సార్ మానవ వినాశన నుంచి మానవ జాతిని కాదు వనరక్షణే వందే మాతర గీతంగా సాగుతున్న పరిషత్ చైర్మన్ ముంజర్ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఇంకా సీనియర్ అధికారులు వారి సేవల్ని గుర్తి దేశ వ్యాప్తంగా అటవీ కేజర్లీ ఊచుకోవడం జరిగింది. అప్పటి రాజస్థాన్ రాజు మహారాజు అమృతాదేవిగా గుర్తించబడుతున్న తల్లి పవిత్రమైన కేజర్లి చెట్టుకు వదులు కారిపోయిన రాజు ఆ చర్యను వెంటనే నిర్ముదల చేయమంటూ ఆదేశాలు చెప్పడం ఆ చెందిన వారందరికీ క్షమాపణ చెప్పడం గుర్తుగా అటవీ అమరవీర సంస్మరణ కోసం అమరే पूरा हिंदुस्तान में जो फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले जो हमारे ऑफिसर्स लोग हैं फॉरेस्ट बीट ऑफिसर्स है रेंज ऑफिसर्स है बहुत से बहुत लोग इसमें बलिदान हो गया जो नक्सलाइट होने दो और दूसरे जो स्मगलर्स के हाथ में अभी तक हमारे ये तेलंगाना में 21 आदमी को मार डाले उन लोगों का ये आज जो श्रद्धांजलि देने के वास्ते हम पूरा हर साल यहाँ 11 सितंबर को आते हैं हमेशा ये प्रोग्राम करते हुए वो जितने भी हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं पूरे अटेंड होते और रिटायर्ड ऑफिसर्स भी आते हैं इसमें जो बलिदान हुआ उनके फैमिली मेंबर्स भी आके उन लोगों के साथ में हम ये प्रोग्राम करते हैं और हमारे तेलंगाना में 21 लोग जो बलिदान हुआ उन लोगों को हम भगवान को प्रार्थना करें उन लोगों को आत्मा को शांति दे और हमारे तेलंगाना के सीएम साहब ने जो हरितारम प्रोग्राम 260 करोड़ ये जाड़ जो लगा है वो हर एक गांव में हर एक म्यूनसिपाल्टी में आज बहुत बढ़ रहा है. आज हमारे हर गांव में नर्सरी है वो नर्सरी आज मैं समझता हूँ कोई स्टेट में भी हर गांव में नर्सरी किधर भी नहीं है. इससे पहले के ज़माने में 25-30 साल के नीचे एक नर्सरी मिलना बोल तो मुश्किल था पेड़ खरीदना बोल तो किधर किधर की जा के खरीदना पड़ता था. आज हर गांव में अवेलेबल है म्यूनसिपाल्टी में है एचएमडीए में है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी नर्सरी है. ये पूरा 12,750 ग्राम पंचायत में भी है और उसके अलावा अभी पूरा नर्सरी 15,000 के ऊपर नर्सरीज है. पेड़ मिलने का कोई कमजोर नहीं है हमारे पास. अभी ग्रीनरी ये 7 साल में 7.77 ग्रीनरी बढ़ गया. ये हमारे सीएम साहब का जो चैलेंज लेते हुए हर डिपार्टमेंट में हर ये प्लांटेशन लगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो जंगल जहाँ चले गया जंगल जो स्मगलिंग हो गए वो जगह में फिर पौधे रखने के वास्ते कोशिश कर रहे. अभी बहुत ही कोशिश में वो लगा हुआ है. हमारे अर्बन पार्क्स है अभी पूरा फेंसिंग रख के अभी हमारे पास 109 अर्बन पार्क्स स्टार्ट करें जहाँ भी हैदराबाद जो अतराफ में भी एक दिन हम 6 पार्क इनाग्रेशन करें. आदमी पूरे वॉकिंग कर रहे बच्चे लोग जा रहे खेल कूद कर रहे और ये जाड़ों को देख के बहुत खुश हो रहे. उस वास्ते तेलंगाना आज हिंदुस्तान में नंबर 1 है. जो यूपी के अरुण कुमार जो मिनिस्टर है कल पूरा देख के पूरा परेशान हो गया कि तेलंगाना क्या है. 7 साल के नीचे ये नया फार्म हुआ है तेलंगाना. ये हमारे सीएम साहब के हाथों के ऊपर हमारे गजवेल सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में हम लोग विजिट करके अरुण कुमार जी बहुत तेलंगाना जैसा हमारे पास भी हम होना चाहिए बोल के हमारे पीसीसीएफ हमारे जोबरियाल को हमारे शांति कुमारी जी को हमारे शोभा या गवर्नमेंट का एडवाइज़र है उन लोगों को पूछ के हमारे क्या 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 काम करें कैसे ये बड़ा है वो पूरा हमारे को लिखित पूर्व देना बोल के उन्होंने बोले. उस वास्ते तेलंगाना आज कोई भी बोलने दो ग्रीनरी में नंबर 1 है. उस वास्ते आप सब लोग अच्छे ये ऑक्सीजन मिलना बोल के आप सब लोगों को पौधे बढ़ाना है जंगल बचाओ जंगल बढ़ाओ बोल के ये स्लोगन लेते हुए हम आगे चल रहे. आप सब लोग हमारे जो अमरवीर जो है जो बलिदान हुआ उन लोगों को हम आज उनके फैमिली मेंबर्स को हम हमारे तरफ से उन लोगों को हम शोक प्रकट करते हुए हम विदा लेते हैं.